नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है। आज का टॉपिक है सिलेंडर लॉकिंग बाय पायलट चेक वाल्व। दोस्तों, ये जो सीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, इसमें है स्ट्रेनर, टैंक, पंप, प्रेशर रिलीफ वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व और सिलेंडर। सर, हमको ये जानना पहले जरूरी होता है पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व क्यों यूज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वहां पे हम लोग चेक वाल्व यूज भी कर सकते हैं, तो पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व का जरूरत क्या होता है। सर, पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व सिलेंडर को किसी भी पोजीशन में रोकने के लिए यूज किया जाता है, और पिस्टन रॉड का जो लोड है, पिस्टन रॉड का जो लोड है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ऑयल टैंक से सक्शन करके स्ट्रेनर होते हुए पंप में आता है और पंप आउटलेट में आता है। यहाँ पे रिलीफ वाल्व है, ये है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, हैंड ऑपरेटेड फोरवेज डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये हो गया आपका दो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, ये आपका है सिलेंडर। टैंक से स्ट्रेनर होते हुए पंप सक्शन कर रहा है और यहाँ पे पी पोर्ट है, ये हो गया आपका ए पोर्ट, ये बी पोर्ट, ये टैंक पोर्ट, टी। जब हैंड लीवर लेफ्ट साइड वाला वन वाला एक्चुएट होगा तो स्पून का पोजीशन ऐसे होगा, ऑयल ए पोर्ट होते हुए पी पोर्ट से और ए पोर्ट होते हुए हेड एंड में जाएगा, ये वाला चेक वाल्व को पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व क्रैक कर देगा, क्रैक करके और इधर से हेड एंड में जाएगा। उसी समय जाएगा इधर का जो हेड एंड का ऑयल है, रॉड एंड का ऑयल है, यहाँ पे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे चेक वाल्व है, एक ड्रेस में फ्लो करके दूसरे ड्रेस में फ्लो नहीं करेगा ऑयल, तो क्या होगा, ये जो प्रेशर लाइन इस साइड का जो ऑयल है ये जाके इसको ओपन करेगा, ये है आपका पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व। तो इधर का ऑयल इधर होते हुए बी पोर्ट होते हुए टैंक में, टी पोर्ट होते हुए टैंक में चला जाएगा। जब एसओबी दो एक्चुएट होगा तो क्या होगा, स्पूल का पोजीशन ऐसे होगा, पी डी के साथ करंट होगा और ए टी के साथ करंट होगा, तो उसी समय ऑयल पी पोर्ट होते हुए डी पोर्ट होते हुए रॉड एंड में जाएगा और इधर का ऑयल इधर से आएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि ये चेक वाल्व है, तो इधर साइड वाला जो ऑयल है ये पायलट आके इसको ओपन करेगा, ऑयल इधर होते हुए ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऑयल इधर होते हुए ये पोर्ट होते हुए टैंक पोर्ट होते हुए टैंक में चला जाएगा। ये हो गया आपका पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व। पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व की जगह पे चेक वाल्व क्यों यूज नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ ही ऑपरेट होता है। जब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा उसी समय ही ये पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व ऑपरेट होगा, लेकिन जब चेक वाल्व यूज करेंगे वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ ऑपरेट नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज है, अगर हम लोग खाली चेक वाल्व यूज करेंगे, पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इधर का तो ऑयल चला जाएगा लेकिन इधर से ऑयल रिटर्न नहीं आएगा, रॉड एंड का ऑयल रिटर्न नहीं आएगा, तो कुछ भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। ये है आपका पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व का डिटेल्स। चेक वाल्व का यूज होगा तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, ना इधर पिस्टन इधर जाएगा ना अंदर आएगा। तो ये आपका डिटेल्स अबाउट पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में डालिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और बेल आइकन को दबा दीजिए।